वेलकम टू एवरी वन। जैसे कि देख पा रहे हैं हमारे पास ये थ्योरम है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है थ्योरम? कि प्रूव दैट अ लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। मतलब क्या कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो लिमिट होगी वो हमारा यूनिक होगी। तो लिमिट क्या होती है, जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है कि ए एन, ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस हुआ कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। मतलब हम लिमिटिंग डालते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी और ए एन पे दिस इज इक्वल टू एल हमारा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये जो एल रिजल्ट दे रहा है ना, दिस इज अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये यूनिक है, ओनली फॉर यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ये हमें दिखानी है। ठीक, तो देखिए एक्चुअली में हम कैसे दिखा सकते हैं कि यही हमारा यूनिक, यूनिक मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म आएगा। ठीक है, यूनिटी आएगा मतलब वन होगा, एक ही चीज़ आ सकता है, उसके अलावा और दो तीन चीज़ नहीं आ सकता यहाँ पे रिजल्ट। ठीक, तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे कि हम दो चीज़ ले लेते हैं कि एक हमारा एल वन आ रहा है, एक हमारा एल टू आ रहा है। ठीक, एल वन और एल टू आ रहा है, दो हमारे आ रहे हैं लिमिटिंग पॉइंट। देन अगर हम दिखा दें कि एल वन इक्वल टू एल टू, देन क्या ये हमारा यूनिक नहीं हो गया? हम मान लिए कि दो हमारा लिमिटिंग आ रहा है, लिमिट पॉइंट आ रही है हमारी दो। ठीक है, लिमिट हमारा दो आ रहा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। ठीक है, दो फाइनाइट लिमिट। देन हम दिखा देंगे क्या कि L1 और L2 दोनों लिमिट जो है वो दोनों आपस में इक्वल है, मतलब दिस इज यूनिक। ओके, तो इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए एक्चुअली में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गई, आंसर तो फटाफट लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली में क्या बोल रहा है वो हमें समझना है। तो प्रूफ दैट अ लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ यूनिक, एल वन एल टू दो हम मानेंगे, दोनों को आपस में इक्वल दिखा देंगे, दिस इज यूनिक। ओके, तो अगर रही बात, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। और इससे पहले तीन चार लेक्चर हो चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखिए, उसमें भी हम बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताए हैं, सारे सीक्वेंस के इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताए हैं। आप लोगों को पेपर थ्री बहुत अच्छा जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए हैं, तो वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। ओके, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं, सीक्वेंस, कैसा सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, देन तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मान लेते हैं कि इफ पॉजिस लेट एल वन एंड एल टू, ठीक है, एल वन एंड एल टू जो है वो क्या है, और दे टू डिफरेंट लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, दो डिफरेंट हमारा लिमिट सीक्वेंस है, ठीक, सॉरी लिमिट है किसकी, सीक्वेंस की, ए एन सीक्वेंस की। ठीक है, दो हमारे डिफरेंट लिमिट है। ओके, ये हम मान लिए, नाउ वी हैव टू शो दैट। तो देखिए दो हमारा डिफरेंट लिमिट है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूफ करनी होगी, नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें क्या प्रूफ करनी होगी थ्योरम के अकॉर्डिंग, एल वन इक्वल टू एल टू, ये हमें दिखानी होगी ना, L1 इक्वल टू L2, क्योंकि दो हम मान लिए, दोनों को अगर आपस में इक्वल दिखा देते हैं देन हमारा क्या हो जाएगा, ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में हम इसे माने, ठीक, दिस वन ऑल्सो माने, एंड हम दिखा रहे हैं कि हमें क्या प्रूफ करनी है, देन उसके बाद हम अब प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखिए सिंस लेके चलते हैं यहाँ से, L1 जो है वो क्या है, बी द लिमिट, be the limit of the sequence, limit of the sequence कौन सा sequence, हमारे a n के sequence। ठीक है, तो therefore every, जानते हैं ना कि हमारा L जैसे होता था लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है, तो हमारा क्या कर, देयर फॉर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, नो मैटर हाउ स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो वही वाले हमारे टर्म्स यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेंगे, कन्वर्जन सीक्वेंस है तो सेटिस्फाई ऑटोमेटिकली करेगा ही करेगा। ठीक, देयर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, नो मैटर हाउ स्मॉल
देयर एग्जिट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, m1 ले लेते हैं। देखिए कोची सीक्वेंस तो हमें प्रूफ करनी नहीं है, कुछ और चीज़ प्रूफ करनी नहीं है, हमें एक कन्वर्जन सीक्वेंस जो लिमिटिंग है उसे यूनिक दिखानी है। तो यहाँ पे जो हम लेते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हम m1 की फॉर्मेशन में लेते हैं। ओके, m की जो फॉर्मेशन में आती है तो यहाँ पे हम m1 ले लिए, क्योंकि हमारा l1 है तो हम इस फॉर्मेशन से m1 ले लिए। ओके, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो m1 सच दैट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे होगा an माइनस, क्या होगा यहाँ पे l1 होगा ना, an माइनस l1 का मोड गई इस फॉर्मेशन में आती, तो हम ऐसा फॉर्मेशन में लिखते हैं ना, an माइनस l1 का मोड, और ये लेस देन जो होती है वो एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू किस से, m1 से ग्रेटर होगा। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। और इक्वेशन 1 जैसा ही सिमिलरली l2 के लिए भी होगा, ठीक है, इक्वेशन 1 जैसा, इसके जैसा ही। तो लिखेंगे नाउ इन द लाइट ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 1 जैसा ही ए एन तो रहेगा ही, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे l2, और इसका हो जाएगा मोड। ओके, ये दिख रहा है ना आप लोग को, देखिए दिख रहा होगा, ठीक, ए एन माइनस l2 इसका मोड, और ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पे फॉर ऑल क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे l1 के लिए था तो इस वजह से हम m1 लिखे, यहाँ पे l2 के लिए तो यहाँ पे m2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, नाउ देखिए, तो एक्चुअली में क्या होता है कि दोनों को हम जब कंबाइन करेंगे, तो दोनों कंबाइन कब होगा, जब ये टर्म्स हमारा आपस में इक्वल होंगे तभी जाके कंबाइन होगा, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वाला अगर लेक्चर देखे होंगे तो उसमें पता चला हो कि कोची सीक्वेंस हम प्रूव कर रहे थे, वहाँ पे हम डेल लिए थे, डेल जो था, डेल यहाँ पे भी था, डेल यहाँ पे भी था, ठीक है, क्वेश्चन 1-2 बना था, तो यहाँ पे m1 और यहाँ पे m2, मतलब दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कोई एक हम खुद से कंसिडर कर लेंगे m, जो कि हमारा m कोई पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, m1 और m2 से क्या होगा, वो बड़ा होगा, ठीक है, तो उसे हम ले लेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं, और एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रूफ करेंगे तब जाके आपको मार्क्स मिलने वाली है पूरे अच्छे तरीके से। ओके, 10 में 10 मार्क्स, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। देखिए दिस वन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। देन नाउ टेकिंग, अब क्या करते हैं कि इक्वेशन इक्वेशन 2 को कब कंबाइन करेंगे, जब हमारा सेम रहेगा, तो कोई सॉरी स्मॉल लेमेंट लेते हैं, बड़ा नहीं सॉरी, ये दोनों से भी छोटा, ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी ही है ना, तो ये दोनों से भी छोटा, m जो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है ये m1 से भी छोटा है और m2 से भी छोटा है, मतलब उससे भी कोई छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी ले लिए, ठीक है। तो अब हम m यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा हमारा, तो देन वी हैव क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 जो होगा वो इक्वेशन 3 और 4 में कन्वर्ट हो जाएगी, किस तरीके से, देखिए ए एन माइनस एल वन जो है ये मोड लेस देन ये एप्सिलॉन बाई 2, फॉर ऑल एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम, दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। एंड इक्वेशन 4 जो होगी वो ए एन माइनस एल 2, ये हमारा मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, फॉर ऑल यहाँ पे भी एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जा रहा है, हमारा एम हो जा रहा है, इक्वेशन 4, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। नाउ अब हमें क्या करनी है, देखिए हमें प्रूफ क्या करनी है कि l1 इक्वल टू l2 दिखानी है ना, तो l1 इक्वल टू l2 कैसे दिखाएंगे, तो लेके चलेंगे नाउ l1 माइनस l2 का ये हम मोड लेके चलेंगे, ठीक है, l1 माइनस l2 का मोड लेके चले, ठीक। देन तो दिस इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, या फिर l2 माइनस l1 लेके चल सकते हैं, नहीं l1 पहले आया तो l1 माइनस l2 लेके चल रहे हैं, ठीक। दिस इज, तो यहाँ पे l1 हो गया, माइनस हम क्या कर सकते हैं, an कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे an कर सकते हैं, माइनस l2 ये कर सकते हैं, देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, l1 माइनस l2 ही हो गया, और ये तो हमारा मोड में ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और फिर से यही फॉर्मूला लगेगा कि a प्लस b अगर मोड में होता है तो ये लेस देन इक्वल टू
ए का मोड प्लस बी का मोड की फॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो ये भी हमारा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल वन माइनस ए एन का ये मोड, बीच में ये प्लस, ठीक है। ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ठीक है, दो एलिमेंट है यहाँ पे, वन एंड टू, दिस इज प्लस। यहाँ पे हो जाएगा ए एन माइनस एल टू का ये मोड, ठीक है। अब इसको चेंज कर सकते हैं, इसे फॉर्मेशन देखिए, ए एन माइनस एल टू है तो यहाँ पे एल वन माइनस ए एन है, ठीक है। तो देखिए ए एन माइनस एल वन है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मेशन, क्योंकि मोड है, माइनस निकाल सकते हैं बाहर, ये तो सही है, यहाँ पे तो हमारा दिया हुआ ही है, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे फॉर्मेशन में लिखेंगे तो यूजिंग करेंगे क्वेश्चन थ्री और फोर को, ठीक। देन तो देखिए, जब हम इसी को कुछ चेंज कर रहे हैं तो इक्वल का सैम्पल लिखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एन माइनस एल वन, दिस वन मोड, ठीक। माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं, माइनस जैसे ही मोड के बाहर निकलता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। एल टू दिस वन, ठीक, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ तो और ये जो वैल्यूज हैं, ए एन माइनस क्या है, एल वन, दिस इज, ये जो टर्म्स है वो भी किसे, एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, मतलब क्या कर सकते हैं कि ये लेस देन, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई टू वैल्यू लिखेंगे और इसके जगह पे भी प्लस एप्सिलॉन बाई टू वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टू एप्सिलॉन बाई टू, ये टू टू कैंसिल और दिस इज एप्सिलॉन हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन हो गया ना। नाउ तो एल वन माइनस एल टू जो है उसका मोड, और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो सैम्बोल लेंगे वो किस चीज का सैम्बोल लेंगे, देखिए देखिए एक्चुअली में देखा जाए ना तो थ्योरम बहुत इजी है, ठीक है, बस थोड़ी सी समझनी होगी, नहीं तो थ्योरम बहुत इजी है, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए तो हार है ये। देखिए L1 माइनस L2, और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो सिंबल आती है, कल भी हम बताए थे कि प्रायोरिटी किसे मिलती है, प्रायोरिटी मिलेगी किसे, प्रायोरिटी फर्स्ट इसे मिलेगी, सेकेंड इसे, थर्ड इसे, इसमें फर्स्ट इसे मिलेगी, ठीक है, सेकेंड इसे, थर्ड इसे, ठीक है, जिधर भी रहे, लेस देन रहे या फिर ग्रेटर देन रहे, किसी को भी फर्स्ट इसे मिलेगी, ठीक, सेकेंड इसे, थर्ड इसे, ठीक। तो फर्स्ट इसे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं है क्या, है यहाँ पे, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे भी अगर ये टर्म्स होता है तो मतलब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एल वन माइनस एल टू, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया, मतलब क्या दिखा रहा है, ये टर्म्स जो दिखा रहा है, बोल सकते हैं क्या कि देयरफॉर, या फिर देयरफॉर, देयरफॉर लैंग्वेज में लिखिए, दिस इज एल वन इक्वल टू एल टू, दिस इज प्रूफ्ड, बस छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एल वन इक्वल टू एल टू हम दिखा दिए, जो कि हमारा ये यूनिक है, ओके। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा किस तरीके से इसे प्रूव करनी थी, कहाँ से लेके चलें, किस तरीके से हुआ, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है।